जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के लिए टॉप 100 मैथमेटिक्स के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, 100 में से 30 क्वेश्चन आज यहाँ कराया जाएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, देखिए क्या दिया गया है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:3। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 336, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। कहा जा रहा है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात जो है वह 7:3 है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल 336 है तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और पूछा क्या गया है ए की उम्र के बारे में, है ना। तो आप यहाँ पर देखना, जो रेशियो दिया गया है वह ए इज टू बी है। ए इज टू बी में रेशियो आपका दिया गया है 7:3, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए का उम्र। तो ए का उम्र बराबर क्या हो जाएगा, ए का अनुपात। तो ए का अनुपात क्या है, 7 अंडर रूट क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल हो गया 336 और बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 7:3। तो ये आपका हो गया 7 अंडर रूट 336 बाय 21, और 21 से काटते हैं तो 16 टाइम में कट जाता है। तो ये आपका हो गया 7 अंडर रूट 16, तो ये आपका हो गया 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका 28 ईयर, ओके, बहुत ही आसानी से निकल गया। उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग किया गया है और बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया। ट्रिक क्या था कि जिसके बारे में पूछा गया है उसका अनुपात क्या है, इन अनुपात में से उसका अनुपात गुने गुणनफल प्रोडक्ट बटे क्या हो जाएगा, रेशियो का प्रोडक्ट, ठीक है, रेशियो का प्रोडक्ट अंडर रूट। इतना कर देंगे आपको उम्र निकलकर चली आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 270 एंड देयर डिफरेंस इज 3, व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज टू नंबर। कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो योग के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखते हैं। क्या फॉर्मूला है, योग इक्वल्स टू अंडर रूट अंतर का स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4 इंटू प्रोडक्ट। आपने ये पढ़ा होगा सम इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट डी कितना है, डिफरेंसेस 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू गुणनफल, तो गुणनफल 270 है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1080, ये आपका हो गया अंडर रूट 1089, और 1089 का स्क्वायर निकालो क्या हो जाएगा, ये आपका 33 का स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट, इससे ये कट गया तो 33 आपका निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए भैया मैथमेटिक्स है, कुछ ट्रिक्स आपको जानने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन है वह एक एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर आपका मैथ आसान होगा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 2840 एंड 3114 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2840 एवं 3114 में भाग देने पर क्रमशः शेष जो है 5 और 9 बचना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर HCF निकालते हैं। किसका HCF निकालते हैं, तो जितना शेष बचना चाहिए उसको घटाकर। यहाँ पर एक संख्या आपको दिया गया है 2840, इसमें से 5 घटाइए, और दूसरा संख्या है 3114, इसमें से 9 घटा दीजिए, ठीक है। जितना रिमाइंडर का हेरा बचना चाहिए उतना घटा दीजिए, ये आपका आ गया 2835 और ये आपका हो गया 3105, ठीक है। अब क्या करना है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना है, तो 3105 और डिवाइड करना है 2835 से, तो एक बार में ही दे दो, तो एक बार में देने पर आपका 2835 आया,
ये आपका जीरो, ये आपका सात और ये आपका जीरो हो गया, तो ये दो और ये कट गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, इसको उठाकर डालेंगे 2835, ठीक है, और इससे भाग देंगे, तो एक बार में लगाइए, एक बार में क्या हो जाएगा 270, यहां पर क्या आ गया 3 आ गया और ये 1 आ गया, ये कट गया, ये 5 आ गया। अच्छा ये छोटा है ना, फिर देखिए उठ के इधर आ जाएगा 270, भाग दीजिए दो बार में लग जाएगा, तो 270 कट गया। अर्थात क्या आया कि 135 से यदि हम इस संख्या में और इस संख्या में भाग देते हैं तो क्रमशः 5 और 9 शेष बचेगा, तो उत्तर क्या हो गया 135 ना, यहाँ पर जो है HCF आपका जो होगा वह 135 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा, तो 135 आपके सी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 27/8, कहा जा रहा है कि उसका क्यूब रूट निकालना है और यहां दिया गया है अंडर क्यूब 27/8, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया इसका क्यूब, है ना, और ये अंडर क्यूब हो जाएगा, तो इससे ये कट गया तो 3/2 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 3/2 देखिए आपके ए में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपका n+1/2 = 100 + 1/2 = 101/2 = क्या हो जाएगा 50.5, और 50.5 आपके सी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न आपको दिया गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड द डॉटर इज 32 ईयर, 7 ईयर एगो द मदर्स एज वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर, टिल व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग जो है 32 वर्ष है, 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी, तो बताएं बेटी की वर्तमान आयु क्या है। दो इक्वेशन हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं, करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला कहा गया है कि माँ और बेटी की उम्र का जो योग है वह 32 वर्ष है, तो मानते हैं माँ एक्स बेटी वाई इन दोनों का योग 32 वर्ष, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन की बात की जाए, वो कैसे बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 वर्ष पहले की बात की गई, 7 वर्ष पहले, ठीक है, इसकी बात की गई ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, यहां पर देखिए ये जो आपको दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, माँ की जो उम्र है 7 साल पहले वह बेटी की उम्र की 5 गुनी, तो अभी बेटी का उम्र क्या है y, उसमें से 7 साल घटाइए और इंटू 5 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, तो अब इसको सॉल्व करेंगे फिर जाकर आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, तो x-7=5y-35, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए क्या करते हैं कि इसको इस तरफ और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -7+35=5y-x, ठीक है, आ गया ना, ये हो गया आपका 28=5y-x, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो -x+5y=28, ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर आपको एक चालाकी करनी है, यहां पर क्या दिया गया है माइनस एक्स में और ये प्लस एक्स में, तो दोनों खत्म हो जाएंगे ना, तो यहां पर क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा x+y=32 और दूसरा है -x+5y=28, ठीक है, ये देखिए इससे कट गया, ये हो गया 6y=60, तो y=2 क्या हो जाएगा 60/6=10 ईयर, ठीक है, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी y ना, y कितना निकला 10 साल, तो 10 यहां पर d में दिया गया है, तो 6 का उत्तर आपका d हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, सातवां आपको दिया गया है अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 बट बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड इट बाय 10 टिल व्हाट परसेंट ऑफ एरर वाज देयर। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया किंतु भूलवश उसने 10 से भाग दे दिया, बताएं कितनी प्रतिशत की त्रुटि हुई। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या हो जाएगा, यहां पर एक फॉर्मूला है उसका प्रयोग करना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्या है,
जब दोनों सिमिलर रहे तो, ठीक है, ये भी x और ये भी x, जब ये दोनों सिमिलर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100, ये फॉर्मूला है, या फिर आप उसको शॉर्ट ट्रिक कह लो, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो इसी में डाल दो, ये हो जाएगा आपका टेन का स्क्वायर माइनस वन बाई टेन का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। ये आपका हो गया 100 माइनस 1 बटे 100 गुने 100, ठीक है। इससे ये कट गया, क्या हो जाएगा 99, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी उससे, 99% की, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 7 का, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आठवां आपको दिया गया है, इफ एन अमाउंट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। यदि किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, देखिए इसमें क्या होता है, इक्वल्स टू में आपका आ जाता है बड़ा वाला 20% माइनस 10%, ये आ गया माइनस 20 × 10 बाई 100, ठीक है। ये आपका हो गया 10 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आया, 8 आया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, 8% की, और ये आपका पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, वृद्धि होगा, जो कि यहां पर बी में दिया गया है, इसलिए 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए नवा प्रश्न दिया गया है, इफ द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹70 इज 4 times द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इट फॉर ₹50, देन व्हाट इज द लॉस। यदि किसी वस्तु को 70 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 में बेचने पर उठाई गई हानि का 4 गुना है तो आपको हानि बताना है, ठीक है। क्या कहा गया कि ₹70 में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उसे 50 में बेचने पर उठाई गई हानि का 4 गुना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, क्या करना है आपको, बड़े वाले में से छोटे वाले को पहले घटा लो, तो 70 माइनस 50 और बटे में क्या कर देना है, जितना गुना है ना उसमें +1 कर देना है, ठीक है। तो 4 गुना है तो 4 + 1, इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 20 बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो 4 यहां पर डी में दिया गया है तो 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 10 दिया गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ और बटे में क्या कर दो, कम वाले से भाग दो, गुना 100 कर दो, यही होता ना, बी माइनस ए बाई ए इंटू 100, यही होता है ना। ये आपका हो गया 8 - 5 / 5 × 100, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 × 100, ये हो गया आपका 20 times, तो ये आपका हो गया 3 × 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये आपका 60% का लाभ होगा, ओके। तो ये देखिए आपके सी में दिया गया है तो फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 11 दिया गया है और इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, 3/4 ऑफ 3/4 डिवाइड बाई 3/4, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4 × 3/4 डिविजिबल 3/4, ये आपका हो गया 9/16 × ये ऊपर चला गया 4/3, ये 3 × 3 = 9, ये 4 × 4 = तो 3/4 जो है आपका निकलकर चला आएगा। तो 3/4 देखिए आपके बी में दिया गया है इसलिए 11 का उत्तर बी हो जाएगा, ये आपके सिंप्लीफिकेशन से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 12 दिया गया है, अंडर रूट 2 / n = 64 देन n = क्या होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैसा सॉल्व होगा बताइए। पहले तो 64 का 2 / n निकालिए, तो 64 = क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 × 4 = 8 16 × 32 × 64, ठीक है, ये आ गया ना 2^6 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको लिखो, यहां पर क्या दिया गया है, अंडर रूट 2 / n = 64, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 / n = 2^6, ठीक है। अब ये उठ के इस तरफ से लाया, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2^6 डाल दो और इसको हटा दो, तो 2^n = क्या हो जाएगा, 2^12। अब देखिए दोनों का ये सेम है तो
एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 आपके डी में दिया गया है तो 12 का उत्तर डी हो जाएगा। देखिए सब कुछ यहाँ पर 12 12 हो रहा है ना। अच्छा है ना प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, अगर पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हो तो कुल अंक ज्ञात करें। अ स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स विद 40% मार्क्स, इफ 40% मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास फाइंड द टोटल मार्क्स। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 40 अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है, इसका मतलब 80 अंक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 40 अंक लाया और 40 से फेल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यह हो गया आपका x का 40%, क्योंकि पास होने के लिए 40% लाना था तो x का 40%। ठीक है, ये देखना आप, 80 इक्वल्स टू x का 40%, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 80 इंटू परसेंट है तो ये 40/100, तो 100 यहां पर आ गया, बटे में 40 हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल, तो ये आपका 200 निकल के चला आया। देखिए ये स्टेप मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत दूसरों को समझ नहीं आता इसलिए बता रहा हूं। ये क्या हो गया, 80 इक्वल्स टू एक्स इंटू 40% दे रखा है ना, तो 40/100, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो वही किया गया, तो यहां पर 200 आ जाएगा, 200 आपके सी में दिया गया है तो 13 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लेते हैं क्या दिया गया है, 14 है आपका। ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है, यदि सी इसके 1500 रुपए चुकाता है तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। प्रश्न क्या है, ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सेल्स सी एट 25% प्रॉफिट, इफ सी पेज रुपीज 1500 फॉर इट देन फॉर हाउ मच डिड ए बाय। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझो, यहां पर क्या है, तीन लोग हैं, ए बी और सी, तीन लोग हैं। यदि मैं मानता हूं कि 100 रुपए की साइकिल थी और ए ने उसे 20% लाभ पर बेचा तो बी को कितना मिलेगा, बी को 120 रुपए पे करने पड़ेंगे तब जाकर वह साइकिल मिलेगी। फिर क्या हो गया कि बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो 120 रुपए का 25% निकालो। ठीक है, 25% निकालोगे तो यह आपका हो जाएगा 30 रुपए के बराबर, तो 120 प्लस 30 इक्वल्स टू 150 रुपया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ए ने खरीदा 100 में 20% लाभ पर बेचा 120 रुपए का हो गया, बी ने खरीदा 120 में 25% लाभ पर बेचा 150 रुपए का हो गया, सी के पास जब आया तो 150 रुपए की साइकिल हुई जब उसने 100 में खरीदा, और यहां पर क्या था कि सी ने दिया 1500 रुपये, इसका क्या मतलब, इसका 10 गुना इसने पे किया, 1500 भागा 150। ठीक है, ये 10 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 10 गुना सी ने पे किया, तो सभी को 10 से गुना कर दो, 100 × 10 120 × 10 150 × 10 ये क्या आ गया, 1000 रुपये, ये आ गया 1200 रुपये, ये आ गया 1500 रुपये, निकल गया ना उत्तर। देखिए बहुत ही मजेदार था। ठीक है, तो ए ने कितने में खरीदा होगा, 1000 रुपये में। ठीक है, और पूछा क्या गया था कि ए ने कितने पे किए हैं, तो 1000 रुपये जो कि बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मजेदार है ना प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और बच्चे यहां पर फंसते हैं। चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, 20 छात्रों का औसत भार 84 किलोग्राम है, यदि एक अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत में 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार बताना है। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 84 kg, If the weight of one teacher is included, the average increase by 3 kg. Find the weight of the teacher. बहुत ही आसान है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब 20 लोग थे, अब एक टीचर बढ़ गया, तो लोग की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, 21 लोग हो गए और एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, एवरेज में 3 kg की वृद्धि हुई। ठीक है, और पहले एवरेज कितना था, 84, तो 84 + 3 = 87। ठीक है, क्लियर ना, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका पहले वाला, तो 20 × 84 इसको सॉल्व कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1827 माइनस 1680 इक्वल्स टू क्या है, 147 kg निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 147 kg आपके ए में दिया गया है, इसलिए 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए,
अब चलिए एक बार मैं आपको पीडीएफ वगैरह की चर्चा कर देता हूँ कि क्या सब पढ़ना है आपको। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर, ठीक है। करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर कर, ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो, ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, दो एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 1 ईयर इज ₹800, देन द सिंपल इंटरेस्ट विल बी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है और थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूल धन, ये होता है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा कि मूलधन बराबर एक्स, पी इक्वल्स टू एक्स मान लो तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है 800 रुपये, तो 800 इक्वल्स टू मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन आपका निकलता है ए इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 टू डी पावर एन, इसमें निकलता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P equals to x माना है, x into 1 plus r, रेट कितना है 10%, 10 by 100 to the power n कितना हो जाएगा 1 year ना 1, तो ये आपका हो गया 11x by 10, ठीक है। तो देखिए 800 equals to a कितना हो जाएगा 11x by 10 minus x, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका 800 equals to क्या हो जाएगा 10, 11x minus 10x, ठीक है, ये आपका हो गया 8000 इक्वल्स टू एक्स, मतलब मूलधन जो है वह 8000 रुपया निकल कर आया, आ गया ना। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी मूलधन गुने समय गुने दर 10% बटे 100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 800 रुपया निकल कर चला आया, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 800 जो कि ए में दिया गया है, तो सेक्शन का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.4 इंटू 0.4 बाय 0.5, ठीक है, माइनस 0.4, ये होगा, ध्यान रखिएगा ये यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0.25 माइनस 0.16 बटे क्या हो जाएगा 0.1, ये आपका हो गया 0.09 बाई 0.1। यदि ये पॉइंट हटाते हैं तो ये पॉइंट यहां चला आएगा और ये हट जाएगा, तो ये 0.9 निकल कर चला आएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। Father's present age is 4 times the son's age. 5 years ago, his age was 9 times the son's age. Father's present age will be. देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और क्या कहा गया है, पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र से 4 गुनी है, तो son जो है x है, तो father कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब फिर according to question चलते हैं और according to question कहता है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पूर्व, तो फादर की आयु 4x है अभी, उसमें से 5 वर्ष घटा दो और यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 गुने 9 हो जाएगा, है ना, ऐसा सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 9x माइनस 45, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 9x माइनस 4x,
तो ये आपका हो गया 40 इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 बाई 5 इक्वल्स टू 8 निकल कर चला आएगा। तो बेटे का उम्र कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब पिता का उम्र पूछा है ना, तो पिता का जो वर्तमान उम्र है वह पुत्र की उम्र के 4 गुने है, तो 4 गुने 8 इक्वल्स टू 32 साल, 32 साल आपको यहां पर बी में दिया गया है, तो 18 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देख लीजिए 19 दिया गया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या एक्स मान लो, दूसरी संख्या 10 दी गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 के 2 टाइम्स। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 20, तो 2x माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 30 निकल के चले आई, तो एक संख्या 10 और दूसरी संख्या 30 हो जाएगी, तो 30 आपके d में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका d हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 20 आपको दिया गया है, a is to b equals to 3 is to 4, b is to c equals to 8 is to 9, then a is to b is to c equals to 1, ठीक है। तो a is to b, यहां पर एक रूल है वो जान लीजिए, a is to b, b is to c, ठीक है, ये ऐसे फिर ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 is to 4 फिर 8 is to 9, तो ये आपका हो जाएगा 3 into 8 is to 4 into 8 is to 4 into 9, ठीक है। तो यहां पर आप देखना 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा 2 आ गया, तो 6 is to 8 is to 9 आपका निकलकर चला आएगा, तो 6 is to 8 is to 9 आपका D में दिया गया है, तो 20 का उत्तर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 दिया गया है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 6 घंटे में तय करती है, उस कार को कितने चाल से चलाएं कि दूरी 5 घंटे में पूरी हो जाएगी, एक कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार टू कंप्लीट इन 5 आवर्स। बहुत ही आसान प्रश्न है, दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो दूरी है 6 घंटे में तय करती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 घंटे में तय करती है, तो यहां पर तय कितना करवाना है 5 घंटे में, और स्पीड हमें नहीं पता, तो स्पीड को हमने x मान लिया इंटू 5 कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 गुने 6 बटे 5, ये आपका 9 हो जाएगा, तो 9 गुने 6 इक्वल्स टू 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलेगी तो वह उसे 5 घंटे में तय कर लेगी, ओके। तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 दिया गया है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न, और बच्चे इसमें फंसते हैं, इसको मैं सही से सेट करता हूं। तो प्रश्न क्या दिया गया है ये देख लेते हैं, प्रश्न है इफ 40 पीपल यूज 60 केजी राइस फॉर 15 डेज देन हाउ मेनी डेज विल 30 पीपल यूज 12 केजी राइस। 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन के लिए करता है, तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करेगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे ये देखना। 40 व्यक्ति 40% जो है वह 15 दिन में कितना चावल खाता है, 60 किलोग्राम चावल खाता है, तो 40 व्यक्ति एक दिन में कितना चावल खाएगा, 60/15, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना खाएगा, 60/15, और ये भी बटा में चलाएगा, गुने 40, ठीक है। इससे ये काट दो, ये आपका 2 3 जा, 2 2 जा, 3 5 जा, इक्वल्स टू 1/10 निकल कर चलाया, ठीक है। अब क्या कहता है, अब आपके पास 30 व्यक्ति है और 12 किलोग्राम चावल है, ठीक है। तो 30 व्यक्ति कितने दिन में 12 किलोग्राम चावल खाएंगे, तो 12 किलोग्राम चावल बटे क्या हो जाएगा 30, और गुने में क्या होगा एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति 1/10 खाता है, तो 1/10, इससे इसको काटिए 3 टाइम्स में, इससे इसको काटिए 4 टाइम्स में, इसका मतलब 4 दिन में जो है वह 12 किलो चावल खा जाएंगे, कितने व्यक्ति 30 व्यक्ति, कहां दिया गया है बी में, तो 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और इसमें बच्चे फंसते हैं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 23 आपको दिया गया है,
एक कॉलेज के छात्र व छात्राओं का अनुपात 8:5 है। यदि छात्राएं 160 हैं तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इज 8:5। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 160 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। देखिए छात्र छात्राओं, ठीक है, यहां पर आ गया बॉय गर्ल्स 8:5 है और गर्ल्स की संख्या जो है वह आपका 160 है, यही कह रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का 5/2 इनका सब कुल सम करो, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 आएगा गर्ल्स का रेशियो बटे कुल रेशियो, तो 8 + 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 160 आ जाएगा, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का 5/13 इक्वल्स टू 160 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 × 13/5, ठीक है। अब इससे यदि हम इसको काटते हैं तो 3 × 2 = 32 में कट गया, तो 32 × 13 और 32 × 13 करने पर 416 निकल कर आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 416 आ गया, कुल संख्या निकल जाएगा ना, ये आपके डी में दिया गया है, तो 23rd का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 दिया गया है। एक घोड़ा व गाय को बेचा गया, दोनों को 12-12 हजार रुपए में बेचा गया। घोड़े पर क्या हुआ कि 20% की हानि हो गई और वहीं पर गाय पर 20% का लाभ हो गया, मतलब कुल विक्रय मूल्य में, कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12 + 12 = 12,000, ठीक है, इक्वल्स टू 24,000 कुल हो गए। इस 24,000 में क्या हुआ कि पहले पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो कुल लाभ या हानि इसमें से क्या हुआ ये हमें बताना है। तो देखिए एक बार मैंने बताया होगा आपको पहले, यदि आपने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देखी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखा होगा, तो उसमें क्या बताया था, यदि सेम दाम सेम हो दो वस्तुओं का और एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि, तो क्या होता है वहां पर हानि ही होता है, और वो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया था, हानि परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा जितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा गया, तो 20 क्या हो जाएगा x/10 इंटू स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4% की हानि होगी, ठीक है, और कुल विक्रय मूल्य 24,000 है, तो 24,000 में 4% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य निकल जाएगी, सीपी इक्वल्स टू क्या होगा, सीपी इक्वल्स टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका 100/100 माइनस 4 × 24,000, ठीक है, ये आपका हो गया 100/96 × 24,000, ठीक है। अब यदि काटते हैं तो 2 से काटिए, आपका यह 12 बार में कट जाएगा, 12,000 हो गया और ये आपका 48, फिर 12 से काट देते हैं, 48 और ये आपका 12 × 12 तो 1,000 हो गया, फिर काटिए ये आपका 250 हो जाएगा, और 250 को 100 से गुना करते हैं तो 2500 निकल कर चला आता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, मतलब 25,000 की चीज जो है 24,000 में बेची गई, तो कितने का नुकसान हुआ, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। तो 1,000 लॉस आपके सी में दिया गया है, इसलिए 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया यह प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो तैयार रहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। यदि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय कर लेती है तो उसकी चाल प्रति घंटे में क्या होगी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। यहां पर क्या है, स्पीड दिया गया है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 140/18 मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, चेंज हो जाएगा 140/18 × 18/5 हो गया ना, ये क्या है 18 है, ये भी 18 है, दोनों कट गया आपस में, और इससे इसको काटिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/8, ठीक है, तो ये आपका 28 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है स्पीड को, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका ए हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ऑन सेलिंग 150 मैंगोज अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज।
150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तब उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखिए, यह बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, यहां पर आप क्या करना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा लो, ठीक है, तो 150 माइनस 30, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 30 है इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा, 150 में से 30 किया तो 120 हो गया, ठीक है, तो 3 चक हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का, कहां दिया गया है आपके, डी में दिया गया है, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 27 आपको दिया गया है, मोहन हैज बाउट 2 टेबल्स फॉर रुपीज 160 ईच, He sell one table at rupees 20% profit and other table at 10% loss. What is his profit or loss percent in the whole business? कहता है कि मोहन दो मेज में से प्रत्येक को 160 में खरीदता है और एक मेज को वह 20% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है, ठीक है, कैसे होगा ये बताइए। लाभ या हानि परसेंट के लिए ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ और बटे दो कर दो, यहाँ पर ये प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा वाला क्या है 20, कम वाला क्या है 10, बाई 2 कर दो, तो ये आपका 10/2 = 5%, ये सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर बी हो जाएगा, बाकी आप लगाते रहो, लार्जर क्वेश्चन करो, देखो कितना टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़े, 28 आपको दिया गया है, ऑन सेलिंग 66 मीटर ऑफ क्लॉथ आर ट्रेड गेट्स प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर ऑफ क्लॉथ, Then find the profit percentage. कहता है कि 66 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ परसेंट बताना है। अभी बताया था ना, लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, जितना परसेंट उसे लाभ हुआ, तो 22% का लाभ प्राप्त हुआ इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा, 66 माइनस 22, ठीक है, तो 22 × 100 बटे में 44, तो 22 × 44 ये आपका 50 times, तो 50 निकल कर चलाएगा, कितने परसेंट का लाभ, 50% का लाभ, तो उत्तर क्या हो जाएगा 28 का, 28 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 आपको दिया गया है, फाइंड द मीडियन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8, 2 और 8 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, तो क्या होगा यहाँ पर, इसके लिए फॉर्मूला है ना, बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला है, इसमें डाल दीजिए अंडर रूट 8 × 2 इक्वल टू क्या जगह, अंडर रूट 16 इक्वल टू क्या जगह, 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इससे ये कट गया तो 4 निकल कर चला आएगा, ठीक है, तो उत्तर आपका 29 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, और ये आपका आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया इसमें, इफ ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 2 इज टू 3 इज टू 4, विच इज शेयर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, इफ बी शेयर इज ₹60 देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए, यदि ए बी सी का अनुपात जो है 2:3:4 है, जो कि एक क्रमशः ए बी और सी का हिस्सा है, यदि बी का हिस्सा ₹60 है तो ए का हिस्सा क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना रुपया है, ₹60, तो 60 और बी का रेशियो क्या है, ए बी सी, ए बी सी, बी में 3 है ना, तो 3 डाल दो, और ए का रेशियो कितना है 2, तो 2 डाल दो, ठीक है, ये आपका 20 हो गया, 20 × 40 हो गया, तो ₹40 होगा उसका हिस्सा, ए का हिस्सा ₹40 होगा, इसको ऐसा सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में से 100 में से 30 प्रश्न मैंने करा दिए, अब बारी आती है आपके जवाब देने का, ठीक है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया गया है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 4:5, बी इज टू सी इक्वल टू 6:7, सी इज टू डी इक्वल टू 8:9, देन फाइंड आउट ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 4:5 है, बी अनुपात सी इक्वल टू 6:7 है, सी अनुपात डी इक्वल टू 8:9 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो आपको सही लगता है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।